Hello friends, Yali Madad, Assalamualaikum, Namaskar. Mumtaz Kitchen में आपका स्वागत है. आज हम बनाएंगे बॉम्बे की फेवरेट डिश कैरेमल कस्टर्ड. कैरेमल कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 लीटर फुल फैट दूध लिया है, 6 अंडे, 150 ग्राम शक्कर, 6 पार्ले जी बिस्किट, अगर पार्ले जी ना हो तो आप मारे बिस्किट भी डाल सकते हो, और अगर आप बिस्किट ना डालना चाहे तो कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हो, वेनिला कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच, 4 से 5 ड्रॉप वेनिला एसेंस, अगर आप वेनिला एसेंस नहीं डालना चाहते हैं तो 1 छोटा चम्मच या 6 से 7 इलायची पाउडर डाल सकते हो. 1.25 लीटर दूध में मैंने 100 ग्राम शक्कर डाल के गरम करके ठंडा करके रखा है. अब हम अंडे को पहला मिक्स कर लेते हैं. सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे. 50 ग्राम शक्कर जो हमने बचा के रखी है वो डाल लेते हैं डब्बे में. इसे गरम करते हैं तेज आंच पे. तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट तक शक्कर को गरम किया है. अब ये कैरेमल तैयार हो गया है. अंडे मिक्स हो चुके हैं. अब हम बिस्किट का थोड़ा सा टुकड़े करेंगे. और इसे थोड़ा सा दूध डाल के पहले मिक्स कर लेते हैं. बिस्किट मिक्स हो चुका है. अब हम जो दूध बचा है दूसरा वो डाल लेते हैं. अंडे भी जो हमने मिक्स करके रखे हैं वो भी डाल लेते हैं. और अब हम इसे पूरी तरह मिक्स कर लेते हैं. बिस्किट, अंडे और दूध पूरी तरह मिक्स हो चुका है. अब हम इसमें वेनिला एसेंस 4 से 5 ड्रॉप डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं. कुकर के अंदर मैंने 1.25 लीटर पानी डाल के जाली रखा है. इसमें हम जो कैरेमल बना के रखा है डब्बे में उसमें डाल लेते हैं मिक्स. और इसे तेज आंच पे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बॉईल करने के लिए रख लेते हैं. जरा हम पहले इसे प्लेट ढक लेते हैं और फिर ढक्कन लगा लेते हैं. आधा घंटा जो हमने कैरेमल कस्टर्ड स्टीम करने के लिए रखा था आधा घंटा हो चुका है. आधा घंटा होने के बाद भी मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही बंद रखा है ताकि अगर वो सेट ना हो गया हो तो सही से सेट हो जाए. अब देख लेते हैं. कैरेमल कस्टर्ड ऐसे करके देखेंगे. अगर ये डब्बे से छूटा हो जा रहा है मतलब ये हो गया है, और अगर नहीं छूटा होता है तो आप इसे और 5 से 10 मिनट तक स्टीम करने के लिए रख दें. अब इसे पहले रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर फ्रिज में रखेंगे. रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद मैंने आधा घंटा इसे फ्रिज में रखा था. अब हम इसे पलट लेते हैं. पहले इस तरह से छुरी से इसे पूरा खुला कर लेते हैं और अब हम इसे इसी ही नाप का बर्तन लेंगे और इसे हम उल्टा करेंगे. अब ये सर्व करने के लिए रेडी है. इसे ठंडा एकदम ठंडा फ्रिज में रखकर ही सर्व करें. उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो के लिए. तब तक के लिए बाय.